नमस्कार, मैं सलामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की तरफ से बिना मूल्य आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं शिवसेना के सुधीर भगत जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस शिविर में क्या क्या चीज़ की जांच की जाएगी और कितने डॉक्टर इस शिविर में मौजूद रहेंगे। सर, ये जो आप शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इस शिविर में क्या क्या चीज़ की जाँच होगी? स्वर्गीय बाला साहेब ठाकरे इनकी ओर से योजनाबद्ध आरोग्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन में माननीय खासदार यहाँ के श्रीकांत शिंदे साहब इनके जानिब से ये किया जा रहा है और इसी तरह के आयोजन डोंबोली, कल्याण, अंबरनाथ, कलवा हर जगह किया गया था, तो उसी धरती के ऊपर मुमरा में भी इसका महा आरोग्य शिविर। महा का मतलब ऐसा होता है कि बड़े पैमाने के ऊपर इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर आपको दवाई भी फ्री में है और आगे का इलाज भी फ्री में है। अभी आपने देखा रहेगा, कल ही डोंबोली के अंदर हमने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए फ्री में सब हाथ पैर, जिनके हाथ गए हाथ उनको पैर, या जिनको व्हीलचेयर चाहिए व्हीलचेयर, या जिनको चश्मा चाहिए, यानी जो भी चीज़ दिव्यांग के लिए वो पूरी फ्री में रखी गई थी। इस तरह से विधायक काम डॉक्टर श्रीकांत शिंदे की ओर से किया जा रहा है। उसी पैमाने के ऊपर मुमरा के अंदर ये 100% फ्री रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि मेडिकल, वही मैं पूछना चाहता हूँ कि जो जब आप शिविर में लोग पहुँचते हैं तो वहाँ पर उनको बताया जाता है कि यहाँ पर कुछ टर्म कंडीशन है कि जो 1200 रुपये जमा करो उसके बाद आपको इतने जो है यहाँ पर फ्री आपको दवा दी जाएगी, इतना आपका चेकअप फ्री में होगा। तो आपके यहाँ जो है ये जितनी दवाइयाँ दी जाएंगी, जितनी चेकअप होंगी, ये सब बिना मूल्य की हैं? निःशुल्क, बिना मूल्य, और किसी भी प्रकार का कोई भी उसके ऊपर हम चार्ज नहीं लगाएंगे। हमारे यहाँ पर से माननीय पालक मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, आप देखेंगे केरला में भी जब गए थे तो कम से कम 10 से 15 लाख की दवाई लेके गए थे। उसी बेस के ऊपर हमारी जो डॉक्टर फील्ड है, आपको एक बताना चाहता हूँ, 70 से 80 डॉक्टर, लगभग 100 के करीब डॉक्टर्स हर योजना के अंदर हमारे वहाँ पर मौजूद रहे। हालांकि अपने खुद हमारे खुद के खासदार भी डॉक्टर है, इसलिए वो फील्ड के अंदर वो जानते हैं कि लोगों का आरोग्य सुखमय होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए इसलिए। और आपका जो सवाल था कि यहाँ पर कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, बिना शुल्क के पूरी दवाई तक उस वक्त इलाज में आने वाले इंसान को फ्री में दी जाएगी। जितना आपने जो पेपर यहाँ पर बांटा जा रहा है, उस पेपर पे बहुत सारी चीज़ें दी गई, हृदय रोग की है और वैसे कई चीज़ें हैं, तो वो सभी चीज़ों की जांच होगी और कितने डॉक्टर मौजूद रहेंगे इस शिविर में? कल तक तो हमको 70 से 80 डॉक्टरों ने हमको उस चीज़ के लिए आने का ये किया है और शायद ये आंकड़ा 80 के पार जाएगा। जहाँ तक मैंने देखा है उल्लासनगर, डोंबोली में, कलवा में और दीवा में, तो वहाँ पर 80 के पार डॉक्टर्स लोग आए थे और जिसमें किडनी, हृदय रोग, त्वचा रोग, आँखों का इलाज, कान, नाक, पहले तो हमने दवाई उनको वो इलाज करके वो दवाई तो पहले उसी वक्त मुहैया कराएगी। और आपको एक बताना चाहता हूँ मैं, अगर दवाई कम पड़ी तो उस वक्त लाई जाएगी और उनको तत्काल वहाँ दवाई दी जाएगी। वो जेब से पैसा खर्चा करके वो हमको हम लाके देंगे और उस वक्त वो दवाई उनको मुहैया की जाएगी। कितने बजे से कितने बजे तक का टाइम है इसका? ये जो शिविर आयोजन किया जा रहा है, ये 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती उसके अवसर पर मुमरा के अंदर आयोजन किया जा रहा है। ये सुबह से आप देखोगे, सुबह 10 बजे से लेके तो शाम को 6 बजे तक ये इसका आयोजन चलता रहेगा। मैं मुमरा वासियों को और यहाँ के सभी तबकों को ये अपील करना चाहता हूँ कि इस शिविर का लाभ उठाइए। ये शिविर आपके लिए पूर्णतः मुफ्त में है, कोई चार्ज नहीं है। आपको सिर्फ आके आपका इलाज सही ढंग से हो और आगे जाकर भी अगर इसकी इलाज की ज़रूरत पड़ी, फिर वो बाईपास हो या आपके किडनी से रिलेटेड कुछ हो या आपके पैर से, घुटनों से, कान, नाक, गले से कोई भी तकलीफ हो, किडनी से तकलीफ हो, आपको उसका आगे का इलाज हमारी संस्था की ओर से फ्री में किया जाएगा। मैं आपको इस प्रहार टाइम के माध्यम से जनता को अपील करना चाहता हूं कि आप उसका लाभ उठाइए, ये आपके लिए ही बना हुआ है।
तो ये थे सुधीर भगत जी, जिन्होंने बताया कि इस बिना मूल्य शिविर का आयोजन 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर किया जाएगा और इसमें जो है बिना मूल्य के जो है जांच की जाएगी, दवाइयां भी दी जाएंगी। इस आयोजन ये शिविर का आयोजन जो है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक का रखा जाएगा। कैमरामैन समीर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।